अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बेटे की सालत की जिम्मेदार लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही है तू मलिष्का? मैं सच बोल रही हूँ दादी, ये यहीं पे थी रोहन के पास। मलिष्का अभी कुछ मत बोल, तुम कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हो। मैं सच बोल रही हूँ, यहीं पे थी मेरे रोहन के पास। रोहन रोहन बेटा मेरे बच्चे प्लीज आप फोन ना। डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैंने बाहर से फोन मंगवाया तो कमरे में ले चलो। छूने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा है रहे, इसे हाथ नहीं लगाओगी तुम। हालत देखो उसकी, क्या हालत कर दी तुमने उसकी। हाँ ये तुमने किया है ना, क्योंकि मेरा बेटा है, इसने लक्ष्मी ने मेरे बेटे को मार दिया। क्या बोल रही हो मलिष्का? मैं रोहन के साथ कुछ गलत करूंगी? मेरा बेटा है वो, मैं माँ हूँ उसकी। तुम्हारा? मेरा भी बेटा है वो, मेरे भी बेटे जैसा है, मैं बेटा मानती हूँ उसे। पर एक माँ अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। और तुम इतनी गलत बातें कैसे सोच रही हो? कि यही सच्चा लक्ष्मी। हाँ तुम नहीं करती, अगर ये तुम्हारा बेटा होता, तुम्हारा खून होता, तुम्हारा अंश होता, तो तुम इसे ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन तुम जलती हो क्योंकि मेरा एक बेटा है, इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। रही हमसे हमारा बच्चा दूर करना चाहती है, ये सब लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी से मारना चाहती है। बस कर मलिष्का, तू होश में भी है कि क्या बोल रही है? मैं बस कर। अरे सब जानते हैं कि लक्ष्मी रोहन से कितना प्यार करती है। नहीं करती। करती है मलिष्का। नहीं कर। मलिष्का लक्ष्मी रोहन से प्यार करती है, सबने देखा है कि वो रोहन से कितना प्यार करती है। वो नहीं करती है, वो सिर्फ दिखावा करती है, सिर्फ छलावा है रोहन के लिए। इसका प्यार कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाटक है। क्यों करती हो तुम ये नाटक? नहीं करती हो प्यार तो मत करो ना, क्यों दिखावा करती हो? अच्छी माँ होने का दिखावा करती है, लेकिन असली में ये है नहीं, ये कुछ और है। अच्छी माँ बिल्कुल नहीं है, देखो ना इसलिए इस बात मेरे बेटे के साथ। प्लीज बस करो, आखिरी बार बोल रही, मेरी माँ होने पर या मेरी ममता पर ना एक शब्द नहीं सुनूंगी। मेरी ममता पर उंगली मत उठाना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा विश्वास है। मेरा भगवान जानता है कि मैंने अपने माँ होने के पर से एक बार भी कदम पीछे नहीं लिया। हमेशा अपना फर्ज निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया है, रोहन के लिए भी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रोहन को मैं अपना बेटा मानती हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि वो मेरा बेटा है, मेरा अपना अंश, मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा महसूस होता है वो मुझे। मैं मानती हूँ उसे अपना बेटा। वो है नहीं लक्ष्मी, लेकिन उससे मेरी ममता कम नहीं हो जाती। मेरे लिए जैसी पारो है वैसा ही रोहन है, ये दोनों मेरी दो आंखों जैसे हैं। मैंने इनमें कभी फर्क नहीं किया और ना ही मैं कभी कर सकती हूँ। फिर से नाटक शुरू कर दिया ना, फिर से नया नाटक बंद कर दो। ये नाटक अपना प्लीज बस मलिष्का बस। अब हजार बातों में लक्ष्मी के साथ सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और जरूर जानते हैं कि लक्ष्मी चाहे कुछ भी करे लेकिन बच्चों को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकती। हाँ हम आपको भी कुछ भरोसा नहीं है? अरे कोई बात नहीं, मत करिए, सबूत है मेरे पास कि ये सब कुछ जो भी हुआ ये लक्ष्मी ने ही किया है। टी शर्ट देखिए रोहन की, काली राख दिख रही है? ये राख कहाँ से आई? कहाँ से आई ये राख? ये लक्ष्मी लेकर आई है, इसने ये राख जानबूझ के उड़ाई। और जब राख उड़ी तो वो रोहन की आंखों में चली गई, रोहन को कुछ दिखाई नहीं दिया, वहां से गिर गया। ये क्या बोल रही हूँ? बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सब तुमने किया है। और आप लोग क्या कहते रहते हैं कि लक्ष्मी एक जिम्मेदार माँ है, बहुत अच्छी माँ है, बल्कि नहीं, लक्ष्मी जिम्मेदार नहीं है। और जब एक माँ जिम्मेदार नहीं होती है ना, तो वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि एक माँ अगर लापरवाह हो तो वो उसकी औलाद के लिए मौत के बराबर होता है। और इसने वही किया मेरे बेटे के साथ, और मेरे बेटे की सारत की जिम्मेदार लक्ष्मी है। लक्ष्मी मलिष्का क्या बोल रही हो तुम? कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे तुम्हें? तुम्हें सुना ही नहीं दिया मैंने क्या बोला? मेरी ममता के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मुझे नहीं पता कि ये राख वहां कैसे आई, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ एक्सीडेंट है, हादसा था ये।
मैं रोहन के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ कुछ गलत होने भी नहीं दूंगी। तुम कर रही हो लक्ष्मी, क्या तुमने ही किया है? और सबूत देती हूँ मैं आपको, आप इस निशान को अच्छे से देखिए। काली राख है ना ये, और राख काली कब होती है दादी? जब उसे गीले कपड़े से पोछा जाए तब होती है राख काली। और इसने इस सबको बहुत आसानी से एक्सीडेंट, एक हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब इसे पता चला कि हम इसे गैर जिम्मेदार साबित कर देंगे तो उसने जानबूझ के आके ये सब कुछ किया। ये पोछा, लेकिन पोछने के बाद एक गलती हो गई कि इसका दाग रह गया, और ये दाग इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे बारे में भी गलत बोल रही हो और अपने बेटे के लिए भी ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो बार बार। नहीं बस, मुझसे झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? बस बस बस, तुम करो लक्ष्मी, बंद करो अपना ये नाटक, और शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे की ये हालत हो गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे के साथ ऐसा करने की, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? नीलम आंटी, मैंने हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? सच तो ये है कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी वो, कि मुझे हर्ट करना चाहती थी, मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी, हम सबको हर्ट करना चाहती थी, हम सबको चोट पहुंचाना चाहती थी, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। हमेशा यही तो करती है, नहीं इसने पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ के इसने ये सब कुछ किया है। प्लीज, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने इतनी बार समझा दिया तुम्हें पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। एक माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैंने बताया ना रोहन मेरे लिए क्या है, वो मेरे बेटे जैसा है। फिर वही बात, क्या बेटी जैसा है? बेटी जैसा लगा रखा है तुमने, वो तुम्हारा बेटा है नहीं ना, वो बेटा मेरा है, मेरा। और तुमने जिसे चोट पहुंचाई है ना, वो मेरा बेटा है, तुमने मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया, समझ रही हो तुम? लक्ष्मी, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से हम तुम्हें नापसंद करते हैं। तुम बच्चों के साथ ऐसा करोगी? बच्चों के साथ तुम ऐसा करोगी, उन्हें चोट पहुंचाओगी? ये तुम सोच भी नहीं सकते थे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तुम दिखावा करती रही, दिखावा करती रही कि तुम बच्चों से प्यार करती, तुम दिखावा करती रही कि तुम इनके लिए कुछ भी कर सकती हो, पर ये किया तुमने हमारे रोहन के साथ। नीलम, तू भी वही बोल रही है तो क्यों ना बोले? मम्मी जी, अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ। पर पुत्र, आंखों देखा सच भी ना कभी कभी सही नहीं होता, आंखें भी धोखा खा जाती हैं। मॉम, एक बार अपने दिल से पूछ कर बता कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ऐसा कुछ कर सकती है? आंटी जी, माफ कीजिएगा लेकिन हमें समझ में नहीं आता, लक्ष्मी की इतनी तरफदारी करती है और वो भी ऐसे कि आपको इसके आगे कोई दिखता ही नहीं है, कोई सही लगता ही नहीं है। अभी सुमर तक आते आते ना पुत्र, सही और गलत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन सबूत आंटी जी, सबूत का क्या, वो भी तो देखिए। ठीक है, आप मलिष्का की बात मत मानिए, लेकिन जो आपके सामने है उसे देखकर आपकी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? इसे अनदेखा कैसे कर सकती हैं? आपने देखा नहीं दादी, मैं दिखाती। ये देखिए, क्या ये दादी, क्या ये राख है ना, राख इसमें है ना, इस प्लेट में है ना, और अब ये देखिए, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।